द्रव्यो नमो गम गणपतये नमो नमते नमो राम रामाय नमो मातेश्वरी नमो नमः ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। सबसे पहला मैं मेरे कर्म का दाईदार हूँ, मेरे कर्म के जो भी घटना अब घटना मेरे साथ हो रहा है आज के डेट में, ये मेरे पूर्व कर्म के वर्तमान हैं और वर्तमान कर्म आने वाला समय को दिखा रहा है। वर्तमान कर्म को अगर मैं सही नहीं किया तो आने वाला समय में मेरे को यह काल वह काल दंडित करेगा। तो क्या करना चाहिए? सीधा सा बात है, बीते क्षण तो चल दिए, आने वाला दूर, यह पल है सामने, कर प्रयोग भरपूर। फिर गुरु जी ये दंड कष्ट कैसे मिलते हैं, पीड़ा कैसे मिलते हैं? प्रारब्ध कर्म। अच्छा, कहाँ से दिखते हैं? कर्म का घर तो दशम है, दशम का द्वादश नवम स्थान। ओ ऐसा है, तो फिर ये कहाँ से आया बात, ये क्यों बात छेड़ रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ? हमारे ज्योतिष गुरु जो वर्तमान में हैं उनके साथ करीब करीब रात को 3 बजे तक लॉन्ग ड्राइव में जाने का मौका मिला। हैं, ऐसा है क्या पंडित जी, आप लोग भी लॉन्ग ड्राइव जाते हो? हाँ हाँ जाते हैं। तो गुरु जी साइड सीट में बैठे, हम गाड़ी चला रहे थे, लंबा लंबा दूर गए तो बातचीत होता है। तो गुरुजी बोले कितना भी पूजा पाठ कर्म कांड तो करवा लो पंडित लगा के, तुम्हारा कर्म का निर्जला, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का शुभ फल कोई नहीं दे सकता। जब तक तुम स्वयं माला नहीं उठाते हो, जब तक तुम स्वयं कर्मयोग नहीं करते हो, जब तक तुम स्वयं साधना नहीं करते हो, जब तक तुम स्वयं ध्यान नहीं करते हो, ठीक है सर आपके पास बहुत पैसा है, महीना 1 करोड़ कमाते हो, 10 करोड़ कमाते हो, अमेरिका जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड में रहते हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम पंडित लोग, हमारा दक्षिणा ठीक, हम ठीक, तुम कितना करोड़ों 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 कमाओ, मेरे बाप का क्या गया है यार। लेकिन इस फील्ड में ये कान में सुन सुन के शब्दों से पता चल जाता है कि आगे इसका फटने वाला है चैलेंज। इतना माइक्रो स्टडी, देखो दुनिया इंटरनेट का है, दुनिया मोबाइल का है, आगे द्रव्य निर्णय, वस्तु निर्णय, निर्णय सामने यजमान देख के निर्णय होता था। क्योंकि मैं बड़ा बोलता हूँ, मेरे दादा जी, परदादा लोग, मेरे पिताजी लोग, एस्ट्रोलॉजर मेरे गुरुजी लोग बड़ा किस्मत वाले हैं कि उनके पास जितने भी यजमान आते थे उनको ज्योतिष विद्या पता नहीं था। ये लोग जो बोल दिया, ऐसा पंचांग उठाया, बोला ए ये कर देना, हाँ ठीक है सब, उनको उतना समझना नहीं है, वो उसका काम वो करेंगे, ज्योतिषी पंडित ब्राह्मण कुलदेव कुल पुरोहित कुल गुरु, तो कुल पुरोहित, हमें काहे टेंशन, वो रिलायबिलिटी था। आज हम किसके कुल पुरोहित हैं, आज हम किसके कुल ज्योतिषी कुल पंडित कुल गुरु हैं? हाँ जिनका है उनका दायित्व निभा रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन बनता है, घर आना जाना होता है, बहुत सारे भेटी देते रहते हैं, चुप नहीं बैठते हैं वो लोग, तो फिर हम लोग भी बाध्य हो जाते हैं उनका काम करने के लिए, उनके
जमीन में जो भी उपजे ना तो पहले मेरे पास आ जाता है। यहाँ भी कुछ बनिया हैं जिनका पहला दुकान का पहला लाभ पंडित को भेजते हैं, है ऐसे। अब हमें वो यार सब दे रहे हैं, पेशगी दे रहे, क्या बोलते हैं उसको, हफ्ता दे रहे हैं नहीं, हम हफ्ता असली नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं, हफ्ता दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं, साल का दे रहे हैं। साल में काली पूजा में दीपावली में पंडित जी के पास पहले भेज दो, ये कल्चर है आज भी। आगे तो और भयंकर था। मेरे को याद है जब अनाज का वो होता है ना, मतलब कटाई होता है, संग्रह घर घुसने से पहले तो पंडित जी के घर में एक भार होता है, समझते हो, भार आगे एक ठो रहेगा, पीछे एक ठो रहेगा, पहुंचा देते थे। तो पंडित के घर में अगर ऐसे 500-600 यजमान हैं, पुस्तैनी यजमान हैं, तो फिर पंडित को काम करने का ज़रूरत है, कहाँ जाए काम करने जगह नहीं है रखने के लिए। तो ये कंडीशन था, आज के डेट में नहीं है। तो फिर हम लोग बोलते हैं यार $200 $200 से नीचे बात नहीं, $200 से नीचे दिया तो फिर तुम समझो समय का खेल है मैक्सिमम रेट तो $200 है ना। अरे तुम इंडिया छोड़ के भागोगे, वहाँ $100 का आम खरीद के खा लोगे, तुम कुंडली दिखाओगे पंडित जी को, $200 दर्द देता है तो फिर कैसे होगा मजाक ऐसे ही बतिया रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। मेन बात क्या बोलना चाहते हैं सर, आप कितना भी करोड़पति, अरबपति, डॉलरपति और क्या क्या पति होना है हो जाओ, समय आता है जहां बड़े बड़े राजाओं को भिखारी बन के ईश्वर के दरबार में भीख मांगते देखा है। और याद रखना, तुम किसी का बात सुनो मत सुनो, खुद का सुन लिया करो, एक बार अपना बात को रिकॉर्डिंग करो, साइड में रखो और ध्यान पूर्वक देखो कि कहीं तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे वाणी में, तुम्हारे शब्दों में घमंड तो नहीं दिखाई दे रहा है, हाई टेम्परामेंट तो नहीं है, ताव तो नहीं है। अगर आ रहा है तुम्हारे वाणी में, समझना कि बहुत जल्दी मार पड़ने वाला है। देर है, अंधेर नहीं है सर, समझना कि फटने वाला है, स्टिच करने वाला भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, एकदम डायनामाइट लग के फटने वाला है। हमारे उड़िया में बोलते हैं, जहार जयंती ठाणी चली जाओ जाओ जानी, जहार जमती बाणी चली जाओ जाओ, वाणी से ठाणी से, वाणी शब्द हो गया, उड़िया में भी वाणी वाणी, ठाणी मतलब रंग ढंग अदाएं, पता चल जाता है आने वाला समय बुरा आने वाला है या अच्छा। तो यजमान को ऐसे आके बैठते थे ना मेरे दादाजी, देख के ऐसे ऊपर से नीचे देख लिया, तो आने वाला फॉरकास्टिंग, आने वाला प्रेडिक्शन बिना कुंडली देखे ही 10 पॉइंट फटता था उसका, ठीक है ना। तो आज के डेट में तो नहीं है, सब ऑनलाइन है, तो बिना देखे तो हुआ, आपके शब्दों से, टोन से, ट्यून से, आपके वाइब्रेशन से, आपके जो उधर शब्दों में जो फ्रीक्वेंसी है, जो भाव है, अरे इसका फटने वाला है, ठीक है। गुरुजी क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं कि एक महाराज अभी अभी बुढ़ापे में शादी किया, तो पहले से 2-3 शादी कर लिया था, अभी शादी हो, कुंडली देखा, स्टडी किया, ये बूढ़ा वर जवान औरत लड़की काहे शादी, तो वहाँ मैं अपना टेम्परामेंट नहीं बढ़ाया कि बहादुरी नहीं दिखाते हैं, रुक जा, स्टडी करते हैं और अध्ययन करते हैं कि जवान लड़की क्यों शादी करे बूढ़ा से, अध्ययन करो ना। तो उसमें मैं घमंड नहीं दिखाता, नहीं समझ में आ रहा है, या समझ में आ रहा है, नेगेटिव समझ में आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मसाला उसाला लगा के बोलें ताकि उसे भी दर्द नहीं दे, क्योंकि पहले जो बोले थे वो हो गया, तो दोबारा इसलिए दिखा रहा है, कहाँ जाएगा पंडित से जाएगा कहाँ तो स्टडी करना पड़ता है उसको, रुक जाए, शब्द ढूंढना पड़ेगा तुम्हें कैसे समझाना है,
अभी नहीं बोलते हैं, रुको। कोई घमंड नहीं, कोई बहादुर नहीं कि हम सब जानकार एकदम महापंडित, रुको। और बढ़िया से गहराई से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या होने वाला है। महाराज आप लिख क्यों लें, एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। सोचो अष्टमस्त राहु का कोई भी लग्न राशि हो, भूल जाओ, बोलना ठीक नहीं है, उनको लग जाएगा जो मेरे को कुंडली दिखाए हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। अष्टमस्त राहु का नीचे कमेंट कर देना, इसलिए बोल रहा हूँ, होम टैक्स दे रहा हूँ। जो लोग मेरे से पढ़े हो, 3500 वीडियो आप लोग देख चुके हो मेरे चैनल का, तो अब इस, या फिर आप लोग बहुत सारे जानते हो किसी लड़की का अष्टम स्थान का राहु का महादशा शुरू हो रहा है, राहु में राहु का अंतरदशा है। अब बताओ किसी 62-63 साल की लड़के से, हाँ लड़का ही बोलूंगा, कहाँ दम होगा यार शादी किया, किसी कारण वशात क्यों शादी करेगा, इसके पीछे क्या रहस्य। मैं बोलते ही आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव बात चलना चालू हो गया होगा, पैसा के लिए और कुछ नहीं। यहाँ लड़का बोल रहा है, मतलब 62 साल का लड़का बोल रहा है भी लड़का बहुत मजबूत है, बढ़िया बात करता है, एकदम स्ट्रांग तर्राज, बोलता और कितना करोड़ कमाऊंगा ठीक है, 62 साल का युवा है, मानना पड़ेगा, मेरे को तो अच्छा लगा, बड़ा तेज वाणी है उसमें। तो वो कह रहा है कि यहाँ ये जो लड़की है जिसका अष्टमस्त राहु का महादशा है, इसका अष्टम का राहु का फलित बताओ, निचस्त राहु, अच्छा ये बता देता हूँ, निचस्त राहु है, नवमस्त राहु है, अष्टमस्त राहु कालपुरुष कुंडली के भी अष्टमस्त राहु, अपने कुंडली का भी अष्टमस्त राहु, अष्टम में राहु मतलब यहाँ पर नेचुरली वृश्चिक में आके नीच होता है, वृक्ष में उच्च होता है, नीच राहु का महादशा में इस लड़की को आने वाला समय में अचानक प्राप्ति हो गया। ठीक, अब यहाँ चिंता करते हैं कि जो लड़का है प्रवरम प्रवराम बुध महादशा समाप्त की ओर और बुध में शनि का अंतरदशा शुरू की ओर 2028 तक, शनि बुध द्विद्वादश कौन दंडित होने वाला है या प्रेम मिलने वाला है, और 28 के बाद केतु का अंतरदशा चालू होगा। और जनरली फोर्सफुली सूत्र क्या है, बुध जो दे दिया केतु वो ले लेता है, और कुछ बुध राहु जैसे महादशा में, शुक्र जैसे महादशा में, जो पूरे महादशा नाथ दे के आता है आखिरी में अगला महादशा में, छीनने का भी कारगर होता है। तो इस क्षण आप बताओ, मैं कुछ क्लोज दिया नहीं हुआ तो इसको और क्लैरिफाई करूंगा, इन इंसिडेंट में क्या क्या होने वाला है कहानी, क्या यहां अष्टम राहु के महादशा के लड़की उस विदेश स्थित युवा का और ये लड़का क्या आने वाले समय में इसके द्वारा कष्ट पाना है। शनि में बुध का अंतरदशा और ये चंद्र से अष्टम राहु का लड़की का महादशा क्या कह रहे हैं, बुध में शनि लड़का का, लड़की का राहु में राहु, अष्टम स्थान, क्या लग रहा है। अच्छा ठीक है, वो जो लड़का का शनि भी अष्टम का है, मकर का शनि है मिथुन राशि से, तो अष्टम का शनि का दशा आने वाला, अष्टम का बुध का अष्टम नवम का बुध, तो द्विद्वादश और इसका राहु, आप बोलो क्या होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब बात आप एक्सप्लेन कर लोगे, क्योंकि मेन कुंडली मेरे पास है, मैं यहां पर
उस महानुभाव तक ये मैसेज आप सबके कमेंट के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जो इम्पोर्टेंट गेम है आपको समझना चाहिए कि ऐसे कंडीशन पे क्या होता है। मैं समझा हूँ लेकिन आप सबका मत चाहता हूँ, नीचे लिखो अगर संभव हो तो, आइडिया मिलेगा आपको भी। और मैं इसको लेके एक बढ़िया एक बढ़िया गल्प बन गया ना, बढ़िया कहानी बन गया, एक बढ़िया स्टोरी मटेरियल आपको मिल गया। आगे आगे मैं आपको गाइड करूँगा, ऐसे अभी बहुत लोगों के साथ होने वाला है। ये योग बन रहा है ऐसा ही, ये योग बन रहा है ऐसा ही। बहुत सारे बूढ़ों का विवाह होने वाला है, यस, बहुत सारे 60, 62, 50 देखना एकदम। इनका थोड़ा आगे हो गया, आगे चल के देखना और लोगों का बेटा गर्द होने वाला है। तो बाप, इस वीडियो का मूल बिंदु था जो मेरे गुरुजी के साथ रात में बैठे और गाड़ी में बात किए, यही था कि आप अपना कर्म जब तक ये मैसेज आप यूएसए वाला तक भी जाएगा जरूर, आप देखते हो मेरा वीडियो। सर ये एक किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, केवल आप और मेरे बीच तक रहेगा और वर्ल्ड का कोई भी नहीं जानेगा कि मैं किसे बोल रहा हूँ, केवल आप जानोगे और मैं ही जानूंगा। इसलिए डोंट वरी, बट ये वीडियो हो सकता है इस चैनल के माध्यम से आगे आगे मैं इसको एक सीरीज ले लूँ। इससे मुझे लगा रहा है कि बहुत लोग सीख पाएंगे। और इस वीडियो का मूल थीम जो अभी जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो पॉइंट है आपका कर्म का दशा आपको काटना है सर, दूसरा कोई नहीं काट सकता। ठीक है पैसा का बल है, ब्राह्मण लगा दिया, पंडित लगा दिया, पूजा पाठ कर दिया, हवन तवन कर दिया, काल सर्प दोष निवारण कर दिया, रुद्राभिषेक कर दिया, आपको क्या मिला इससे? आप अपने ऊर्जा को बैलेंस करना सीखे क्या? मेरे पास कोई रुद्राभिषेक के लिए या काल सर्प के लिए आता है तो मैं घंटों उसको ट्रेनिंग देता हूँ, ये जप है, ये युग है, ये ऐसे अभिषेक करना है, ऐसे करना क्यों करना है, क्योंकि यही जीवन विद्या छुपा है, इसे सीखो। ऐसा नहीं कि पंडित कर दिया तो बाहर सो गया, तेरे नाम पे पूजा हो गया, वो तो मरणासन्न रोगी के लिए किया जाता है, लेकिन आप तो जीवन जीना है। और अभी नहीं करोगे ना सर, लिख लो केतु का महादशा है ना, घंटी हिलाते रह जाओगे, केतु नहीं छोड़ेगा, वो लेवल ला के दे देता है। अच्छे अच्छे अरबपति, करोड़पति, मिलियन ट्रिलियन और क्या क्या है, एक रात विद इन ए नाइट गेम चेंज, विद इन ए नाइट घमंड खत्म। कल तक 30-40 नौकर थे, बाबू लोग सलाम ठोकता था, एसपी डीएसपी सलाम मारता था, सर सुबह उठ के देखते हो कि आप जेल के अंदर हो और सब बैंक बैलेंस खाता सब गजब्त है आपका, सब कुछ गवर्नमेंट के चुंगल में है, एक रुपया अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हो, हाथ धोने के लिए एक सॉप भी नहीं खरीद सकते हो। और आपको क्योंकि आपके नाम पे संगीन केस और दफा लगे हुए हैं, और बेल से निकल भी जाओ ना तो अपने लोग जो कल तक सलाम ठोकते थे आपके घर में खड़ा करके एक गिलास पानी तक देने के लिए तैयार नहीं है। यस, बहुत केस देखा हूँ, ये हमारे जो गद्दी है, हमारा जो ज्योतिष टेबल चेयर है ना, हमें बहुत सिखाया, बहुत बहुत भयंकर एक्सपीरियंस दिया है। हमारे उड़िया में है कि यार क्षणे क्षणे के आनो, एक क्षण में क्या होगा किसी को नहीं पता यार, किस घमधन का घमंड है ये, किस पैसा का घमंड है, अच्छे अच्छों का छक्का छूटता छुटाता है ऐसा नहीं। और आने वाला समय अगर आपका शनि का दशा या अंतरदशा है और अष्टमस्त शनि, तो फिर याद करिए जिस समय आपका शनि का महादशा चल रहा था आज से 18-19 साल पहले, जो खुद आप बोले हो कि पिस गए थे बोल के, तो वो जोन आने वाला है। बी अलर्ट एवर, एंड मैं जो बोल रहा हूँ इंगित में डायरेक्ट बोल के दुख देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वीडियो बना देता हूँ और इसलिए भी बनाता हूँ कि ये स्टॉक रहेगा अगला 9 साल के लिए, आपका पूरा टाइम जोन के लिए सावधान होना चाहिए।
फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो का जिस्ट इतना ही है, माला उठाओ, अपना जप खुद करो, अपना साधना खुद करो, अपना अभिषेक तर्पण खुद करो। कोई पंडा पुजारी पंडित पूजक में दम नहीं है। आपके कर्म और कर्म फलों को और प्रारब्ध को काट सके कितना भी धन का पैसा, कितना भी धन का घमंड हो जाए, कितना भी हो जाए, नहीं काट सकता। जब तक स्वयं आप नहीं उठाते हो माला, आप स्वयं नहीं उठाते हो कर्म योग का बेड़ा। बहुतों को देखा हूँ सर, 54 नौकर से चलते थे, शनि का महादशा आया ना तो खुद अपना कपड़ा साफ करने लगा, अपना चप्पल जूता साफ करने लग गया, अपना घर का झाड़ू करने लग गया, तरस गया कि कोई मेरा पैर थोड़ा मालिश कर दे, मरोड़ दे, सर थोड़ा ठोक दे। एक टाइम था कि थूकेगा तो पीक दानी उठाने के लिए नौकर हुआ करते थे, 24 घंटा खड़े होते थे, पान पनुआ था, थूकेगा तो पिकदान नौकर, उस नौकर का नाम था पिकदान नौकर। ऐसे लोगों को देखा हूँ, रगड़ते हुए, घिसटते हुए, नाक रगड़ते हुए। आप और हम क्या हैं सर शनि के आगे? रावण का घमंड चूर कर दिया तो क्या धन का घमंड है, कोई मतलब का नहीं है। तो बाप फिर से पुनः एक बार 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 कह रहा हूँ, और क्या कलू ए कलू, अभी कलकत्ता को कह रहा हूँ, पूजा पाठ छोड़ देंगे सर, जब तब छोड़ देंगे सर, दिस इज मैसेज फॉर यू। ग्रह तुम्हें छुड़वाते इसलिए हैं क्योंकि वो दंड दे सकें। जब तक माला के साथ हो तब तक तो ब्रह्मा का भी दम नहीं है तेरे पास खड़ा होने के लिए, और जिस पल माला छोड़ दिया, ठुकाई चल, विच्छेद करवाते हैं, पूजा पाठ जब तब से एक कुछ फायदा नहीं है, मन में भर दिया, छोड़ दिया तुम माला, छोड़ दिया पूजा, मोची का आठा भी लगाओ ना तो सटेगा नहीं बेटा, स्टिचिंग तो हो नहीं सकता, ऐसा फटेगा। मेरे गुरुजी के शब्द आप तक पहुंचाने के लिए एक और शब्द है, सुनो। एक पहला बात क्या बोला, जब तक स्वयं चेष्टा नहीं करते हो पूजा पाठ पंडित से काम नहीं देगा। कांटे से कांटा निकलता है सर, कांटा से कांटा निकलता है, आग से आग बुझाया जाता है। बड़े बड़े जंगल में पता है जब आग लगता है तो कैसे बुझाते हैं, पानी लेके इतने बड़े जंगल में आग लगाया, आग से आग बुझाते हैं। कांटा को मारतूल नहीं निकाल सकता, प्रारब्ध कर्म है आपको काटना है, नहीं काटोगे भुगतोगे, कर्म योग करना ही पड़ेगा। जब तक पूजा पाठ ध्यान प्रार्थना करना ही पड़ेगा, नहीं किया भुगतना पड़ेगा। पैसा का घमंड, धन का घमंड पॉकेट में रखो, अच्छे अच्छों का छूट गया आपका भी छूट जाएगा। ये रात भर मेरे गुरुदेव के साथ बैठ के विचार, होल ओवर द नाइट मैं ड्राइव कर रहा था और वो बैठे हुए थे, तो उनके साथ यही विचार फाइनली आया, स्वयं जब तक नहीं करते तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। खुद नहीं मरोगे स्वर्ग नहीं दिखाई देगा, खुद साधना नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। शनि बाबा का तो यही डायलॉग है, साधक बना देंगे आपको, तो साधक बनिए और जीवन में हर कुछ पाइए। प्रारब्ध बिना आपके चाहत, कर्ता जब तक नहीं चाहता, कर्ता मीन्स यजमान, आप नहीं चाहते हो, कोई पंडित पूजा पाठ ज्योतिष कुंडली देख दे कुछ नहीं होने वाला है सर। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि ये करना है, ये मार्ग में जाना है, चलना आपको है, नहीं चलोगे काम नहीं देगा। एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा सा अच्छा समय दिख रहा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है, तुम प्रिपेयर नहीं करोगे तो अच्छा समय नहीं आएगा। उसके बाद आ सकता है, आएगा उनके लिए जो लोग अभी से अपने को मजबूत किए हैं, साधना किए हैं, तपस्या किए हैं,
और आवश्यक यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय निरतो भवित किए हैं। और जो लोग सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं, जो सही मार्ग को छोड़ के मुड़ गए, बोले पूजा पाठ जब तक छोड़ देंगे, कर्मकांड हवन तवन छोड़ देंगे, फिर तो फटेगा ना सर, बुरी तरह फटे, नहीं बचा सकते। फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो का यही टॉप डायलॉग है मेरे गुरुमुख से सुना हुआ वाणी, जब तक आप नहीं चाहते हो तब तक कुछ नहीं होता, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप अपने ही कर्मों का दंडों को काट सकते हो, दूसरा कोई नहीं काट सकता। खुद का प्रारब्ध है, खुदे काटना है, नहीं काटोगे तो भुगतना पड़ेगा, तैयार रहो। धन्यवाद, नमस्कार। महाराज सीरियस नहीं हो जाना, मजाक से बोल रहा हूँ, मूड आ गया तो बोल दिया, अब टेंशन होकर कैसे होगा यार। हाँ, कहानी मजा था तो सुन लेना थोड़ा सा।